नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां अवैध शराब की तस्करी में बिहार पुलिस के दरोगा को किया गया गिरफ्तार। आगे बात होगी एटा की, जहां मारहरा पंचायत राज विभाग की तरफ से जन योजना अभियान कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आगे बात होगी गाजीपुर की, जहाँ जनपद में कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए विशेष आपात परिस्थितियों में दंगा नियंत्रण स्कीम का अभ्यास कराया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मत से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मोक्ष वाहन एवं एम्बुलेंस प्रदान की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रकाश बड़ाइक ने बताया कि बालूमाथ में मोक्ष वाहन नहीं रहने से असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार को इस संदर्भ में पत्र लेकर मोक्ष वाहन व एक अतिरिक्त एम्बुलेंस की आवश्यकता बताई गई थी। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार के माध्यम से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मोक्ष वाहन एवं एक अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। इन वाहनों के उपलब्ध रहने से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों को इसका लाभ मिल पाएगा। और आप लोग का भी प्रयास कहेंगे और गणमान्य लोग यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट किए थे कि हमारे लिए एम्बुलेंस और चाहिए और मोक्ष वाहन भी चाहिए, तो हम लोग का प्रयास जो है सफल रहा, जो कि हम लोग का जनता की सेवा के लिए कारगर साबित होगा और करने का कोशिश हम लोग पूरी तरह से करेंगे कि हम लोग संतुष्ट करें हर तरह से, ये हमारा इच्छा है। मोक्ष वाहन यहाँ नहीं रहा था जी, नहीं रहने के कारण काफ़ी परेशानी भी हो रही थी जी। मोक्ष वाहन रहने से अब तो बहुत सुविधा भी मिलेगी। एकदम सुविधा है, इसमें हम लोग निःशुल्क सेवा करेंगे और एम्बुलेंस में भी जहां तक होगा हम लोग हर तरह का सेवा देने का कोशिश करेंगे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बलिया में अवैध शराब की तस्करी में बिहार पुलिस का दरोगा गिरफ्तार। भिन्न भिन्न ब्रांडों के कुल 121.60 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। थाना कोतवाली पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी थी कि शहर के जीवन ज्योति हॉस्पिटल के पास कार से पकड़ी भारी मात्रा में शराब। पुलिस द्वारा पकड़े गए चालक के बारे में पूछताछ जारी की गई तो पता चला कि बिहार पुलिस का दरोगा निकला। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब तस्करी एक उद्योग का रूप ले चुका है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को संबंधित धाराओं में निरुद्ध कर चालान किया है। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। ये शराब रवि किशन नाम के व्यक्ति से बरामद की गई है, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मारहरा पंचायती राज विभाग की तरफ से जन योजना अभियान कार्यक्रम ग्राम पंचायत पिदौरा के सचिवालय में आयोजित हुआ, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी कुंवरपाल सिंह ने शासन से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया और योजनाओं की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत प्रधान को कहा। बैठक में पंचायत सचिव द्वारा लोगों से समस्याएं पूछकर उनका निस्तारण कराने का आश्वासन दिया और पंचायत में नए कार्यों के प्रस्ताव भी लोगों से मांगे। समाज सेवी सोनू शर्मा ने पंचायत के राजस्व गांव पिदौरा में बारात घर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसको प्रधान और सचिव ने जल्द ही बनवाने का आश्वासन दिया। प्रधानपति विक्रम वर्मा ने ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक विकास कराने की बात बैठक में कही और गरीबों का आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर समाज सेवी सोनू शर्मा, प्रधानपति विक्रम वर्मा, विवेक सक्सेना, जुगेंद्र कुमार, सतीश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली कट्टा नदी से रेत माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा रेत का बड़ा व्यापार चल रहा है। अनुविभाग कार्यालय तहसील मुख्यालय होने के बाद भी शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होकर बेखौफ रेत का व्यापार कर रहे हैं। देखने में आया कि जुन्नारदेव विशाला करीब 3-4 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए बेखौफ शहर जुन्नारदेव की ओर जा रहे थे। हमारे द्वारा इस खबर को विशेष कवरेज देने के बाद अब देखना होगा कि शासन एवं खनिज विभाग इसमें क्या संज्ञान लेता है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां जनपद ने कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए
दंगा और विशेष आपात परिस्थितियों में दंगा नियंत्रण स्कीम का अभ्यास कराया गया, जो पूरे जनपद को जोनल व सेक्टर स्कीम में विभाजित किया गया। तो वहीं जनपद के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए रिस्पांस टाइम को चेक किया गया, जिसमें सभी का रिस्पांस टाइम अच्छा पाया गया। तो वहीं सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण को इस संबंध में समुचित ब्रीफ किया गया। इस अवसर पर समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। तो आइए सुनाते हैं एसपी डॉक्टर इरज राजा ने क्या कुछ कहा है। पूरे जनपद में दंगा नियंत्रण योजना जो हमारे पूरे जनपद की बनी हुई है, उसके तहत पूरे जनपद में आज दंगा नियंत्रण स्कीम के तहत पूरे ड्रिल मॉक ड्रिल की गई है, और इसी में समस्त अधिकारीगण एवं समस्त लोग इसमें समस्त पुलिस बल इसमें शामिल रहा है। और इस ड्रिल का उद्देश्य ये है कि इसमें हमारे जो भविष्य को लेकर दंगा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करने के लिए जो हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं और जो जो चीज़ें और बेहतर करने का स्कोप है, उसको हम लोगों ने रिव्यू किया है। ऑडिट भी ये किया गया है और इसमें सभी को समय दिया गया था 15 मिनट के अंदर, और सभी लोगों का रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छा रहा। और 15 मिनट के अंदर ही जितने भी हमारे पॉइंट्स गंगा नियंत्रण स्कीम के तहत चिन्हित किए गए थे, जो भी हमारे संवेदनशील स्थान थे, वहाँ सभी जगह पर फोर्स पहुँची और फुल तैयारी के साथ लाठी डंडा बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ सभी लोग पहुँचे। और इसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, रिस्पांस टाइम इसमें और बेहतर हो सके, और भविष्य के लिए इसमें जहाँ जहाँ और कमियाँ हैं उसको भी हम दुरुस्त करने का इसमें प्रयास करेंगे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।